नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में देखते ही देखते नेशनल हाईवे 2 पर अचानक से भीड़ जमा होने लगी। अब नेशनल हाईवे पर भीड़ जमा होने का मतलब सड़क पर कोई हादसा होना भी होता है, लेकिन वहां तो मामला ही कुछ और था। असल में हाईवे के ब्रिज के नीचे एक हवाई जहाज फंसा था। अब हवाई जहाज हाईवे पर कैसे पहुंचा, ये सवाल भी लाजमी है। इसका जवाब यह है कि हवाई जहाज एक 12 टायर वाले ट्रक पर लदकर वहां पहुंचा था। दरअसल ये भारतीय डाक विभाग का एक पुराना जहाज था। इस पुराने विमान को एक ट्रेलर पर लादकर कोलकाता से दुर्गापुर भेजा गया था। इस दौरान ये ट्रेलर जहाज की ऊंचाई के कारण दुर्गापुर में मिगेज ब्रिज के नीचे फंस गया था। अधिकारियों ने बताया कि डाक विभाग ने इस जहाज का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वहीं पुल के नीचे ट्रेलर फंसने से हाईवे पर काफी जाम भी लग गया है। ट्रेलर को निकालने के लिए मौके पर स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और डाक विभाग के अफसर भी घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। अधिकारी अब इस विमान को पुल के नीचे से निकालने की कोशिश में जुट गए हैं। कम से ट्रेलर के पहियों की हवा निकालकर इसे थोड़ा नीचे लाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि फंसे विमान का हिस्सा सुरक्षित पुल के नीचे से निकल सके।